चैन बच्चों, वेलकम बैक इन शिकास क्लासेस। मैं शिका श्रीवास्तव फ्रॉम नंदी वाणी पब्लिक स्कूल भरवारी कौशाम्बी। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 13, दिन और महीने। पढ़िए और समझिए, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्ताह का आरंभ सोमवार से होता है। कौन से दिन से होता है? सोमवार से। सप्ताह के दिनों के नाम क्रम से यहाँ पर दिए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जिसे गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आपको लर्न करने हैं, सारे दिनों के नाम आपको लर्न होने चाहिए विद स्पेलिंग, ठीक है। कैसे लिखा जाता है ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष यानी कि साल। साल में कितने महीने होते हैं? 12। ये सबको पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन और 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन और 12 महीने होते हैं। महीनों के नाम क्रम से इस प्रकार हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये भी आपको लर्न करना है, ये दोनों स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे हम लोग समझ लेते हैं। सभी महीने 30 दिन या 31 दिन के होते हैं। ये जो सारे महीने हैं इनमें किसी ना किसी में 30 या 31 दिन होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन फरवरी का जो महीना होता है उसमें 28 दिन होते हैं, सिर्फ 28 दिन, 28 डेज। और अगले 4 साल के बाद उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी वो 29 दिन का होता है, ठीक है। जिस फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष कहते हैं, हिंदी में अधिवर्ष और इंग्लिश में लीप ईयर, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 29 डेज होते हैं, ठीक है। कहा जाता है अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, जो अधिवर्ष बन जाता है उसमें 366 दिन होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? 365 दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और यहाँ पर जब अधिवर्ष वाले दिन, अधिवर्ष वाला वर्ष होता है तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 30 दिनों के महीनों के नाम ये हैं और 31 दिनों के महीनों के नाम ये हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिनों का है, और बाकी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब 31 दिन के हैं। और फरवरी जो है वो हमारा 28 दिन का है, ठीक है। अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे आप पता करें कि आपके कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी मुट्ठी दिख रही है आपको, दिख रही है ना? हाँ। अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर हर्डल है, ये फिर नीचे आ गए, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे आ गए, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे आ गए, फिर ये ऊपर है, ठीक है ना, सही है। अब देखिए, ये जो ऊपर के जो पोर्शंस हैं ये हमारे ऊंच हैं, ठीक है, और ये जो नीचे के पोर्शंस हैं ये हमारी नीच हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए ऐसे कैसे, ये देखिए हड्डल्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो हमारी ऊपर की हड्डी है ना, ये क्या है? ऊंच है। और ये जो नीचे का भाग आ रहा है ये हमारी नीच है। अब जैसे हम लोग इसको नाम देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर ये जुलाई। अब जुलाई के बाद कोई नीचे तो है नहीं, यहाँ से फिर शुरू करेंगे तो ये फिर ऊपर हो गया। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ऐसे देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, जनवरी यानी कि ये जो ऊपर के जो हिस्से हैं ये हमारे 31 दिन वाले हैं। ये 31 है, ये 31 है, ये 31 है और ये 31 है, ठीक है। और ये जो नीचे के जो पोर्शंस हैं हमारे, ये हमारे 30 वाले हैं, 30 दिन वाले महीने, ठीक है। अब जैसे हमने बोला जनवरी में 31 दिन, फरवरी का तो छोड़ ही दीजिएगा, फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, ये तो आपको लर्न ही करना है, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च यानी कि 31, ऊपर आया तो 31, नीचे आया तो 30, ठीक है। तो मार्च के बाद अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर मई के बाद जून 30, फिर जुलाई 31,
फिर जुलाई के बाद फिर अगस्त ऊपर आया, तो यानी कि अगस्त भी हमारा 31, फिर अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है, तो सितंबर हमारा 30 का, फिर 31, फिर 30, फिर 31, समझ रहे हैं इसी तरीके। अब जैसे अगर हमने आपसे पूछा अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो आप काउंट करिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल में कितने दिन हुए, 30 दिन हुए, ठीक है। मैंने पूछा आपसे अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त ऊपर आया, तो यानी कि 31 दिन होते हैं, ठीक है। मैंने पूछा आपसे अगर नवंबर में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर कहाँ आया, नीचे, तो यानी कि हमारे नवंबर में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके आप अपने मुट्ठी में काउंट करिएगा, तो आपको बहुत ईजली लर्न हो जाएगा, ओके, ठीक है बेटा, टिल देन बाय।